वेलकम अगेन टू माय चैनल। देखिए, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाओ, यूनिवर्स कैसे हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन देता है। आज मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा सेल्फ लव के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इससे ज़रूरी चीज़ तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास सेल्फ लव नहीं है ना, अगर आपको खुद से प्यार नहीं है ना, आपको खुद का नशा नहीं है ना, तो सब बेकार है। फिर अगर आप हामी भरते हैं कि हम उस इंसान से प्यार करते हैं, हम उस इंसान से प्यार करते हैं, या फिर आप शिकायत करते हैं कि वो इंसान मुझे प्यार नहीं करता, वो इंसान मुझे प्यार नहीं करता, तो आप अपने साथ छलावा कर रहे हो। यस, आप अपने साथ झूठी, आप किसी गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है प्यार होता क्या है। प्यार दरअसल आपके ही अंदर इतना है ना कि आपको बाहर से प्यार मांगने की या चाहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप देखते ही नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है, आप देखते ही नहीं हो। आपको तो वो दिख रहा है, आपको उसका प्यार चाहिए। वो मुझसे प्यार करेगा, अच्छे से बात करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी या खो जाऊंगा, वो बात करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। इसका क्या, आपके इनर सेल्फ का क्या? आपका इनर, आपका सेल्फ, आपकी आत्मा, सेल्फ यानी मैं आत्मा की बात कर रही हूँ, जो हमारे अंदर है, हमारी प्राण शक्ति, हमारी आत्मा, वो हमसे चीख चीख के बोल रही है, मेरी तो सुन लो, मुझे तो प्यार कर लो, मैं रहती हूँ इस शरीर में, मैं हूँ। आप इधर उधर भटक रहे हो, यानी कि कहते ना, आप प्यासे हो और आपके अंदर ही पूरा सागर है, और आप जा रहे हो इधर उधर वीराने में, भटक रहे हो कि हाय मुझे कोई प्यार कर ले, हाय मुझे कोई प्यार कर ले, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। ये सच बात है। आप खुद से प्यार क्यों नहीं करते हो? आप खुद से इतना प्यार करो ना, इतना कूट कूट के प्यार करो ना, कि मतलब दुनिया ऐसा हो जाए कि मतलब खुद के लिए बावले हो जाओ। यार सच बोल रही हूँ, खुद के लिए अगर आपको इतना प्यार हो जाए ना, तो ये दुनिया आपके लिए पागल हो जाएगी। मतलब आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे प्यार करो, सिर्फ आपको अपने सेल्फ पर रहना है, सिर्फ आपको अपने खुद से प्यार करना है, यानी खुद में प्यार ढूंढना है और खुद प्यार बनना है। जी हाँ, मैंने बनना क्यों बोला, कि जो आप होते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सीधा सीधा यह है कि जो आप हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अगर प्यार है, आप अगर खुद में ही संपूर्ण है, खुद में ही प्यार से भरे हुए हैं ना, तो आप प्यार को ही अट्रैक्ट करेंगे। किसी की, कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो आपसे प्यार ना करे। अगर वो प्यार आपके अंदर है, वो छलक रहा है आपकी आपके चारों तरफ से, मतलब इतना प्यार से आपने जो अपना एक जार है ना, जो आपके दिल का या आपका सेल्फ का, आपने प्यार से उसको इतना भर दिया ना कि वो छलक रहा है, तो प्यार ही प्यार मिलने वाला है लोगों को। वो लोग आएंगे ढूंढते हुए समृद्ध की तलाश में, हाय हमें भी प्यार दे दो, हाय हमें तुम्हारा साथ चाहिए। सीरियसली बोल रही हूँ, ये पागलपंती की बात नहीं बोल रही हूँ, ये सीरियसली बोल रही हूँ, ऐसा होता है। खुद से प्यार करो। अब बात आती है, ये तो हमें समझ में आ गया कि खुद से प्यार क्यों करो, क्योंकि हम खुद जब प्यार बन जाते हैं ना, तो हम प्यार को अट्रैक्ट करते हैं, हम मैग्नेट बन जाते हैं, हम हर जगह से प्यार को अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि प्यार वाली वाइब्रेशन ही हम यूनिवर्स को देते हैं, और जो वाइब्स हम यूनिवर्स को देते हैं ना, वही हमको लौटा देती है, बल्कि दुगना तिगना चौगना कई गुना करके लौटा देती है। ये प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है, जो हम उस यूनिवर्स को, उस नेचर को देते हैं, वो कई गुना होके हमको लौटा देती है। अगर हम उसको प्यार ही प्यार देंगे ना, तो हमको प्यार ही प्यार मिलने वाला है। और प्यार किसको देना है? यूनिवर्स को। पूरा सेल्फ, पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है यार, खुद को इतना प्यार भर दो तो यूनिवर्स तक तो वाइब्रेशन प्यार वाली जाने वाली है ना। तो जब आप उस परमात्मा को, उस यूनिवर्स को प्यार वाली वाइब्रेशन भेजोगे, प्यार दोगे, तो सोचो वो आपको कितना प्यार लुटाएगा। हम अपने माँ बाप को जरा सा भी प्यार से बोल देते हैं ना, जरा सा भी उनकी सेवा कर देते हैं, उनसे थोड़ी सी भी प्यार से बात कर लेते, सोचो कितना उनका दिल खुश हो जाता है, वो हम पर कितना प्यार बरसा देते हैं। वो भी तो हमारा सुप्रीम पावर है यार, वो उसके आगे तो कुछ है नहीं।
अगर उसको हम प्यार वाली वाइब्रेशन भेजेंगे, वाइब्रेशन कैसे जाएगी? हमारे माइंड के थ्रू, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है, ठीक है? और जब हम प्यार से भरे हुए हैं, हमारा माइंड प्यार से भरा हुआ है, हमारा दिल प्यार से भरा हुआ है, तो प्यार वाली वाइब्रेशन ही हम देने वाले हैं यूनिवर्स को, और वही हमको मिलने वाली है कई गुना होकर। तो इसलिए हमको प्यार होना है, प्यार बनना है, खुद से प्यार करना है। अब आती है बात, खुद से प्यार कैसे करें? भाई प्यार क्यों करें खुद से, ये तो हमें समझ में आ गया। हम प्यार करेंगे तो प्रकृति हमसे प्यार करेगी, यूनिवर्स हमसे प्यार करेगा, लोग हमसे प्यार करेंगे, हम मैग्नेट बन जाएंगे, इसलिए हमें प्यार करना है। अब प्यार करना कैसे है? तो भाई इससे रिलेटेड तो कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, प्यार कैसे करें, व्हाट इज सेल्फ लव, कई तरह के लोग हर तरह की बातें बताएंगे, लेकिन सब एक ही तरह की बात बोले कि भाई प्यार खुद से करना है तो खुद का ख्याल रखें, खुद की बॉडी का ख्याल रखिए। सबसे पहले तो अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी हैबिट्स डालिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने इनर का, अपने सेल्फ का ख्याल रखिए। अपने सेल्फ का कैसे ख्याल रखेंगे? अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखकर। यस, आपको चेक करना है, आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि मेरे अंदर अभी कैसी वाइब्रेशन हो रही है, मैं कैसे वाइब्रेट कर रहा हूँ, कहीं मैं दुखी तो नहीं हूँ, कहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ, कहीं मेरे साथ कुछ जेलसी वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है, कहीं मैं इमोशनली ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा हूँ या हो रही हूँ, क्या कुछ कुछ निगेटिव तो नहीं चल रहा है? क्योंकि अगर निगेटिव है तो निगेटिव वाइब्रेशन ही ऊपर जाएगा और वही आपको मिलने वाला है यार। तो आप क्यों चाहेंगे कि कुछ कुछ मुझे गड़बड़ चीज़ मिले जो मुझे और ख़राब कर दे? आप तो यही चाहेंगे ना कि मुझे हर तरफ खुशी मिले, हर तरफ प्यार मिले। तो आपको पहले देना पड़ेगा, उधर भी आपको वाइब्रेशन पहले प्यार वाली भेजनी पड़ेगी, तभी तो मिलेगा। उसके लिए खुद का ख्याल रखिए, खुद के सेल्फ से खुद से पूछिए। अब मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं खुद को कैसे ट्रीट करती हूँ। एक तो मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ, इतनी हद तक बातें करती हूँ ना, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ ना ये वीडियो के जरिए, मैं खुद से कंटिन्यूअसली बोलती हूँ। ऐसे तो मैं सैकड़ों वीडियो बना देती हूँ अपने आप के थ्रू, मतलब इतना बातें मैं करती हूँ खुद से। तो बहुत बार क्या होता है कि कई बार लोग देख लेते हैं, ऐसे पार्क में मैं घूम रही हूँ तो कभी कभी खो जाती हूँ अपने आप में, तो बड़बड़ाती रहती हूँ और थोड़ा जोर से भी हो जाता है, तो लोग पागल है क्या, पागल क्या, या कुछ काम कर रही हूँ तो अचानक किचन में और बोल रही हूँ बोल रही हूँ, कोई कहता है अरे ये क्या, किससे बात कर रही हो? और ठीक है ठीक है, मुझे पता है ना मैं किससे बात कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ट्रीट करती हूँ कि मैं जो मेरे अंदर की जो सेल्फ है, मेरी जो अंदर की आत्मा है ना, उसको मैंने छोटू अनु का नाम दिया हुआ है। मैंने वो छोटू अनु कैसी हो, तो मैं उससे पूछती हूँ कैसा फील कर रही हो, अभी कैसा लग रहा है। तो मैं उसको ना एक, मैं विजुलाइजेशन में भी बहुत यकीन करती हूँ, मेरा विजुलाइजेशन बहुत अच्छा है। तो मैं एक विजुलाइज करती हूँ कि हाँ अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ अनु, कैसा चल रहा है छोटू अनु। तो मुझे विजुलाइज होता है कि वो झूम रही है, वो नाच रही है, वो बोल रही है यार ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। तो मैं भी उसको बोलती थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए, वो मुझसे बोलती थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। कभी क्या होता है कि जैसे मैं थोड़ी परेशान हूँ, तो फिर मैं उससे पूछती हूँ छोटू नू कैसी हो, तो वो बोलती है यार आज तुमने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया, आज तो बड़ी मैं दुखी हूँ, मेरा ख्याल नहीं रखा। तो मैं उसको बोलती हूँ आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, तुमको बहुत पैम्पर करूंगी, तुमको बहुत प्यार करूंगी। और फिर मैं अपनी वाइब्रेशन को उस तरीके से बढ़ाती हूँ खुद पर काम करके कि हाँ मुझे अपनी एक छोटू उनू का ख्याल रखना है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मुझे यूनिवर्स ने दी है। एक बच्चे की तरह आप उसको देखो, आप अपने इनर सेल्फ को एक बच्चे की तरह प्यार करो, जैसे मानो बच्चे को बिल्कुल जान दे देती है, इतना प्यार करती है, उस तरीके से आप उसको ट्रीट करो। मेरा तो ये प्रोसेस है भाई, बहुत लोग इसको पागलपन बोलेंगे पर मैं ऐसे ही ट्रीट करती हूँ, मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है और मैं खुद की कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं ऐसे ही बात करती हूँ, अभी कैसे हो, अच्छा लग रहा है ना, झूम रही हूँ ना, तो मैं भी झूम लेती हूँ। हाँ बाकी पचासों तरीके हैं, पचासों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप करो। मेन चीज़ है कि आप अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखो। आप देखिए हम इंसान हैं, हम 24 घंटे
एकदम हाई वाइब्रेशन पे नहीं हो सकते, पर ट्राई कर सकते हैं ना, तो ट्राई करिए, खुश रहने का ट्राई करिए, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तो अपने आप आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, और आपकी वाइब्रेशन जब हाई होगी ना, तो कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ना, कोई भी टेक्निक भी लगा रहे हैं ना, सब कुछ होने वाला है भाई, सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आप चुंबक बन गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और बताती हूँ बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे टिप्स कि कैसे 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 सेल्फ लव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।